उत्तर प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर सुनिए, जुड़ी हुई मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली है बसपा सुप्रीमो मायावती। महासचिव सतीश मिश्रा का ये बड़ा ऐलान है। आप देखिए कहीं ना कहीं बसपा कहां है, ये बड़ा सवाल था। बसपा का प्रचार प्रसार का प्लान क्या है, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ती हुई, उत्तर प्रदेश के चुनाव से बड़ी खबर कि मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। जितना 2007 में हम जब घूमे थे उससे बहुत कहीं ज़्यादा उत्साह की बार बहन मायावती जी की तरफ, और लोग उनके साथ में जुड़ के और उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहा, समाजवादी पार्टी में जो हाल था वो सबको देख सबने। तो बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा को आप सुन रहे थे, और आपको यह बता दें कि यह बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। बसपा बीएसपी कहां पर स्टैंड करती है, उस बीच बड़ी खबर कि नहीं लड़ेंगी चुनाव। बीएसपी महासचिव का यह बड़ा बयान है, सपा और बीजेपी पर उन्होंने बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि एसपी की सरकार से लोग त्रस्त हो चुके थे, अखिलेश राज मतलब दंगा और गुंडागर्दी वाली सरकार। बीजेपी पर भी उन्होंने तंज कसा है, बीजेपी राज में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, यूपी में बीएसपी की लहर है, यह बड़ा दावा किया है सतीश चंद्र मिश्र ने। बीएसपी के महासचिव हैं, कई बड़ी बातें उन्होंने यहां से कही हैं। और प्रत्यूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यूष लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सिर्फ हिंदुस्तान पर, यह कितनी बड़ी खबर आप मानते हैं कि एक मायावती जो है वो विधानसभा चुनाव में नहीं उतरने वाली, विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ने वाली। इसके साथ साथ सतीश चंद्र मिश्र ने बड़ा प्रहार किया है सपा पर भी और बसपा पर भी। देखिए सपा पर, कांग्रेस पर या फिर बीजेपी पर, बीएसपी की तरफ से ये प्रहार, चूंकि विरोधी दल एक दूसरे पर प्रहार करेंगे, लेकिन अगर यूपी की सियासत को अगर आप समझेंगे तो 20 साल में उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई भी मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़कर के मुख्यमंत्री शायद ही बना है। जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो एमएलसी के जरिए वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इस बार सवाल सिर्फ मायावती का नहीं है, इस बार कहा जा रहा है क्या योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे क्या, इस बार कहा जा रहा है क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी क्या, इस बार कहा जा रहा है क्या मायावती चुनाव लड़ेंगी क्या, क्या इस बार केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे क्या। यानी कि जो जनता के बीच में नेता जाते हैं वोट मांगने के लिए, यहां पर कहा जा रहा है कि क्या वो लोकप्रियता की कसौटी पर अपने आप को मापेंगे क्या, कि क्या उनको जनता विधानसभा चुनाव में, यहां लोकसभा की बात नहीं हो रही, राज्यसभा की बात नहीं हो रही, चुनाव यहां पर विधानसभा का, क्या विधानसभा का चुनाव ये नेता टॉप लीडर्स ये क्या चुनाव लड़ेंगे क्या। बीएसपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई मायावती विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब देखिए इसको लेकर के ये बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको मुद्दा बनाया जाएगा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि मायावती चुनाव कैंपेन भी नहीं कर रही है, मायावती का कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदरूनी सपोर्ट है, और अब तो बहन जी चुनाव लड़ने से भी मना कर रही है।